series combination of batteries. यदि हमने पिछले टर्न पे भी आपसे कहा या तो लूप रूल सोचेंगे या फिर यहां देखिए 5 वोल्ट 6 वोल्ट 12 वोल्ट 8 वोल्ट और हम यहां देख रहे हैं 2 ओम, जानना चाहते हैं करंट कितना होगा, तो या तो लूप रूल लिखेंगे। और चूंकि ये सारे बैटरी सीरीज में हैं, तो बैटरी के सीरीज को एनालाइज कैसे करते हैं, तो उसके सोचने का क्या रास्ता है, सीरीज में कहते कब है, जब एक ही जैसा करंट जाए। तो जो जो डिस्चार्ज हो रहा है जिसके पॉजिटिव साइड से, बहुत बढ़िया के तब जिसके पॉजिटिव साइड से करंट निकल रहे हैं, वो सारे एक जैसे इकट्ठा करोगे, और जिनके नेगेटिव साइड से करंट निकल रहे हैं वो डिस्चार्ज, वो चार्जिंग कहलाता है क्योंकि पॉजिटिव से उसके भीतर जा रहा है, वो अपोजिट नेचर का कहलाएगा। तो एक नेचर वाले यहाँ है 5 + 6 + 12 जिनके पॉजिटिव से निकलते देख रहे हैं, और 8 जो है उसके अपोजिट बिहेवियर का है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पता चल गया कितना, 15 वोल्ट। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो करंट पाथ पता चल ही जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 15/2। बहुत बढ़िया था। तो ये जो हमने देखे कि यहां देखिए सर आप पॉजिटिव नेगेटिव कौन से कहते हो, मेरे तो वही नहीं पता, देखो ना बड़ी डंडी पॉजिटिव हायर, पॉजिटिव मीन्स हायर, और यहाँ पहले छोटी है फिर बड़ी, तो करंट तो एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो ऐसे देखो कि जैसे घर में आप सेल को अटैच करेंगे और वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो एक दूसरे के पीछे ऐसे यदि अटैच करते हैं तो ये सेल जो है एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ जो नेट होगा ये V1 + V2 + V3 होगा। लेकिन यदि यहाँ एक आपने ऐसे लगा दिया, फिर एक ऐसे लगा दिया, तो आपने यदि इसे कहा V1 ये V2 ये V3 ये V4 ये V5, तो प्लस V4 यहाँ पर V4 माइनस में आ जाएगा, अपोज करने वाला इसका नेचर है, और प्लस V5 फिर से सपोर्ट करने वाला आ जाएगा। तो जब एक ही करंट गुजर रहा हो सेल से, तो सीरीज में इस तरह हम सेल के इफेक्टिव पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ये ध्यान रखें। और एक बात और कि इनके बीच में भी रेजिस्टेंस होता तो ईएमएफ लिखते वक्त इनको इकट्ठा करके एक ही जगह हम रख सकते हैं। जनरली ये सीरीज वाला आइडिया हम यूज करते हैं जब एक ही लूप हो, दो तीन लूप हो तो ये ऐसा कुछ नहीं करते, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक ही लूप वाले केस में ये सीरीज वाला आइडिया यूज होता है, और 4-5-6 बैटरी और नहीं तो लूप रूल लिख दो तब भी काम चल जाएगा यार, तो टेंशन ही नहीं लेना है, एक ही तो लूप है। इसे आप लोगों ने यदि नोट कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़े। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी या सेल, इनफैक्ट सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। पेज चेंज करो, यस सर।
यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। यहां गौर करिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अब ध्यान दीजिएगा, एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ईएमएफ, और दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सर गलत बात है, वोल्टेज तक तो ठीक था, ये नया टर्म ईएमएफ क्या होता है? तो जब कोई करंट नहीं गुजर रहा होता है बैटरी से, उस समय जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द टर्म, वो ईएमएफ कह देते हैं। वो जो करंट नहीं जा रहा हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लोग ईएमएफ कह देते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस सर क्या है? अरे बैटरी के भीतर जब करंट गुजरने की कोशिश में होता है तब वहां भी लाठी डंडे चलते हैं, बहुत रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को हम बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ जो कैपिटल आर है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और अपना मकसद क्या है कि इनका इक्विवेलेंट सर्किट एक सोचना। इक्विवेलेंट सर्किट सोचने का मीनिंग क्या हुआ सर? कि यहाँ हम यदि एक ही सेल में इनको कन्वर्ट कर दें, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते थे, एक ही सेल में कन्वर्ट कर दें तो उतना ही करंट जाता दिखे इस रेजिस्टेंस से होके जितना वो तीनों सेल मिलकर के जा रहे थे। तो यदि ऐसा ईएमएफ हम ढूंढ सकें ये इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। अब ये बड़ा लफड़ा है, अब ध्यान से देखिए, ये जब ऐसा कोई सर्किट आता है तो ध्यान दीजिएगा कि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। आपको लगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको डिस्टर्ब करेगा तो बैटरी को दो टुकड़ों में एनालाइज करो। ध्यान से देखो, बैटरी को दो टुकड़ों में एनालाइज करो, आपके बैटरी के भीतर ये ईएमएफ और ये रेजिस्टेंस। अब यदि यहां से करंट I1 निकल रहा होगा तो यहां से यहां का पोटेंशियल कैसे लिखोगे आप? ये भी कहते हो वी माइनस वी को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने कहा किसी भी सर्किट में उंगली लेके चलो तो उंगली लेके चल करंट इधर गुजरता दिख रहा है उंगली के अपोजिट आई आर वन। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं सेल के, तो ये सेल के पोटेंशियल डिफरेंस देखते वक्त या बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते वक्त बैटरी के भीतर दो टुकड़ा कर दें, एक तो ईएमएफ और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो कंडीशन है ये है डिस्चार्जिंग, और जब आप कहते हो आई वन जीरो तो वो ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट यदि हम वर्ड करते हैं तो ध्यान से देखिए ही किस वन। अब और डायग्राम, यदि कभी ऐसा हुआ है ये सेल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट भीतर जा रहा है आई, ये ई है और ये आर है, यदि पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसके लिए हम
कहते हैं कि चार्जिंग हो रहा है यहां, चार्जिंग ऑफ सेल। तो जब हम चार्जिंग की बात कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? यार तरीका तो एक ही है, उंगली लेके चलेंगे पी से क्यू तक, तो वी पी माइनस वी क्यू मुझे मिल जाएगा। और हमेशा हमारा टेंडेंसी तो यही रहता है बड़ी डंडी से छोटी डंडी, मतलब जहां वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी दुकान से खरीद के लाते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो उंगली लेके चलते हैं भीतर बढ़ते हैं। तो पहले हमें मिल गया ई और तो उस समय टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक इसका पिछले आइडिया के डेरिवेशन से अभी कोई लिंक मत लो, ये अलग एक कंसेप्ट की तरह इसे दिमाग में और कॉपी पे सेट कर दो। ये हेडिंग क्या इसका दे सकते हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। इसका हेडिंग दे सकते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल और इसके तीन केसेस बन रहे हैं। डिस्चार्जिंग को पहचानो, पहचान जरूरी है। डिस्चार्जिंग जनरली दुकान से खरीद कर लाते हैं बैटरी, तो यही सोचते हैं ना कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल करके बाहर जा रहा होगा। यहां तक इसे अलग हेडिंग देके आप नोट कर लें प्लीज, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दूसरा है अपना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अच्छा आवाज सुन पा रहे हैं अब आप लोग? यस सर। सर अब क्लियरली आ रही है, लेकिन जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तब आपकी कट रही थी थोड़ी थोड़ी। हाँ, एक बार फिर से सुन लें आप कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ये आप देखिए तो इसके तीन केसेस बन रहे हैं। कौन से तीन केस बन रहे हैं? एक बार सेल डिस्चार्ज होते देखो, एक बार ओपन सर्किट जब करंट है ही नहीं, और एक बार आपने चार्ज होते देखा सेल को। तो डिस्चार्ज और चार्ज कैसे डिफाइंड है? तो दुकान से जो आप खरीद कर लाते हैं सेल, उसको जब किसी सर्किट में लगाते हैं तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी डंडी की तरफ से करंट बाहर निकलते देखते हैं, और कुछ दिन यूज करने के बाद वो बेकार हो जाता है सेल, आप कहते हो डिस्चार्ज हो गया और फेंक देते हो। तो बिना फिजिक्स पढ़े भी आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से करंट निकलना मतलब डिस्चार्ज होना, बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ा तब भी ये पता है। और ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा? ओपन सर्किट का मतलब होगा कि सर्किट जो है उसमें कोई करंट नहीं है, मतलब अभी क्लोज नहीं किया है, दोनों टर्मिनल को किसी वायर या किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया है ओपन सर्किट। उस समय ओपन सर्किट का जो ईएमएफ होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही ईएमएफ कहलाता है सेल का। और यदि आइडियल सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो आईआर वाला टुकड़ा तो बचेगा ही नहीं,
तो चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो या ओपन सर्किट हो, ईएमएफ भी के बराबर होता है, जो अभी तक जनरली हम देखा करते थे। आज से मैंने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सोचो। तो ओपन सर्किट जो होगा उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है टर्मिनल के क्रॉस, वो है ईएमएफ। और यदि चार्ज करेंगे तो सोचो ना, 6 वोल्ट का बैटरी होगा तो उसको चार्ज करना चाहते हो आप, तो उससे ताकतवर से चार्ज करोगे ना उसे, 12 वोल्ट के बैटरी, 15 वोल्ट के बैटरी से चार्ज करोगे। 6 वोल्ट का बैटरी है और 2 वोल्ट के बैटरी से उसे कहोगे भाई आ तुझे मैं चार्ज कर देता हूँ, तो फंसेगा तुम पे, अरे भाई मैं वैसे ही 12 वोल्ट का, तुम 2 वोल्ट से मुझे चार्ज करोगे। मतलब उस समय क्या होता होगा कि उसके उससे ताकतवर कोई बैटरी है जो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से भीतर करंट भेज रही होगी, और वहां रिवर्स इंजीनियरिंग आप सोचो, वो चार्ज हो रहा होगा। तो आप रिचार्जेबल बैटरी खरीद के लाते हो तो वो एक खास तरह का बैटरी होता है और उसके कॉस्ट आपको ज्यादा पे करने होते हैं। 10 रुपये का जो नॉर्मल बैटरी है वो पता चला कि 200 रुपये का आप रिचार्जेबल की एक बैटरी लेके आते हो, एक सेल लाते हो। तो ये अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है जो कॉमन क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और वो क्वेश्चन है कि ईएमएफ ऑफ सेल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल कैन बी। तो कैन बी क्या क्या हो सकता है? पहला, सेम एज इट्स या स्मॉलर पहला वाला चित्र देखिएगा, स्मॉलर देन इट्स ईएमएफ, ईएमएफ में से कुछ घटा लिया और तब वो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला। दूसरा, सेम एज इट्स ईएमएफ, और तीसरा क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है, ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। तो 3 केसेस हैं, एक है डिस्चार्जिंग, एक है ओपन सर्किट और एक है चार्जिंग। तो ये स्टेटमेंट कई तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इनका ध्यान रखो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल कैन बी स्मॉलर देन इट्स ईएमएफ, सेम एज इट्स ईएमएफ, ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। पहला चित्र है, देखना ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी को कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल, वी को क्या कहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल। वी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, तो कैन बी स्मॉलर देन ईएमएफ, कैन बी इक्वल्स टू द ईएमएफ, कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ, तीनों पॉसिबिलिटी है। इक्वल्स होगा ओपन सर्किट में, स्मॉलर होगा डिस्चार्जिंग में, ईएमएफ से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस, और ग्रेटर होगा जब चार्ज किया जा रहा होगा। अब ये पहले आप यदि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल यदि कंप्लीट हो जाए तो फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में वापस आते हैं। पैरेलल
पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाऊं, यस सर। देखिए ध्यान से, ये जो दिख रहा है ऊपर का आर, पहला सेल, उसके नीचे वाला सेल, उसके नीचे वाला सेल, ये सारे पैरेलल में है, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पहला इक्वेशन जो बनेगा वो E1 माइनस I1 R1 इक्वल्स टू किसके बराबर, आई आर के बराबर। E2 माइनस I2 R2 ये किसके बराबर, ये भी आई आर के बराबर। E3 माइनस I3 R3 ये किसके बराबर, ये भी आई आर के बराबर। और इकलौता जो इस डायग्राम का यहाँ आपने बनाया, उसके बाद जो इक्विवेलेंट वाला आप देख रहे हैं सर्किट, उसमें क्या देखेंगे आप, E माइनस आई आर इक्वल्स टू IR। हमारे पास ये कुछ इक्वेशन आ गए, कितने, चार। अब इनसे हम एक और इक्वेशन सोच सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I। देखो मुझे भी याद बात कुछ नहीं रहता, हम लोगों को इन इक्वेशन को सॉल्व करके रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सर किसका, तो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है अपने को E1 E2 E3 R1 R2 R3 स्मॉल r में। यदि हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर लें तो काम अपना बन जाना चाहिए। ये इक्वेशन यदि समझने में किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बताएं, नोट पहले कर लो। यहाँ पैरेलल में हमने माना, देख ही रहे हैं कि एंड पॉइंट सबके एक ही जगह है, लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड वाले एंड पॉइंट एक जगह, तो जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है वो सबके बराबर होंगे IR के, हमने वही लिखा है, कोई नया काम नहीं। और डिस्चार्जिंग है सबका, तो डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR आप लिखते ही होंगे, आपकी हैबिट में आ गई। मैं पेज चेंज करूं, yes, देखिए जब हमारे पास आया है E1 माइनस I1 R1 इक्वल्स टू IR, तो मैं यहां से I1 फ्री करना चाहता हूं, E1 माइनस IR इक्वल्स टू I1 R1, E1 माइनस IR, ये R1 से मैंने यहां भी डिवाइड किया, R1 से मैंने यहां भी डिवाइड किया, ये हुआ I1। इसी तरह मैं दूसरा लिख रहा हूं सिमिलरली E2 by R2
IR by R2 equals to I2. E3 by R3 minus IR by R3 equals to I3. और अब इनको इकट्ठा करते हैं, यदि इनको इकट्ठा करते हैं तो E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 एक जगह आ गए, माइनस आई आर ब्रैकेट में वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, और साथ में यहां आ गया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री राइट साइड में। देख एक बार और मैं इन्हें लिख रहा हूं, E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3. Upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 minus IR equals to I by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. एक यहां से देखिए, लास्ट वाला जो अपने पास रिलेशन था जिसको यूज नहीं किया अभी तक, E माइनस आई आर लास्ट वाला रिलेशन क्या था, पिछले पेज पे चलते हैं। E माइनस आई आर यहां से लिख सकते हैं, लास्ट वाले रिलेशन को देखिएगा, ध्यान से लिख रहा हूं मैं, इस रिलेशन को देखिएगा, कैपिटल आई आर को लेफ्ट साइड में ले जाता हूं और स्मॉल आई आर को राइट साइड ले जा रहा हूं। अगले पेज पे मैं लिख रहा हूं E माइनस आई आर इक्वल E minus IR equals to I small r। सर वहां तो ऐसा नहीं था, वहां तो ये था। देखो सब में मैंने क्या लिखा है, सब में मैंने पहले यहाँ फ्री करने के लिए I1 R1 लिखा इधर, तो जो था ना आपके पास लास्ट वाला इक्वेशन E minus IR equals to IR, इसमें IR को मैं लेफ्ट आ रहा हूँ, E minus IR equals to IR। अब यदि मैं कंपेयर करता हूं, इसे भूल जाओ, अब कंपेयर करने के लिए मैं देखूं तो ऑन कंपैरिजन अबव टू इक्वेशन, तो ई के बदले कितना आ गया, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू प्लस ई थ्री बाय आर थ्री अपॉन वन बाय आर वन वन बाय आर टू वन बाय आर थ्री। और ध्यान से देखिएगा आर किसके बराबर हो गया, वन अपॉन वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। और ध्यान से देखिए इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री इक्वल्स टू वन बाय आर,
तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे रेजिस्टेंस देखते थे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इफेक्टिव होगा वो जितने सेल हैं पैरेलल में उनके रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला इफेक्टिव निकाल लो। और ईएमएफ थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको इफेक्टिव वैल्यू चाहिए तो ये आपके सामने है रिजल्ट। ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं और फिर ये सर इसका फायदा हमें कहाँ मिलेगा, ये तो वैसे ही बड़ा गंदा बड़ा लंबा डेरिवेशन दिख रहा है, इससे हमें कहाँ फायदा मिलेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको एक लाइन में आप आंसर कर दीजिएगा बिना लूप रूल बिना नोडल एनालिसिस अप्लाई किए, देखते हैं कैसे। यदि ये आइडिया आपके आ जाता है समझ में तो फाइनल रिजल्ट तक पहले पहुंचिए। सर कंपेयर कैसे किया, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये आई आर भाई भाई, ये ई और ये ई भाई भाई, और यहाँ वाला आर और यहाँ वाला वो भाई भाई, तो आई के साथ प्रोडक्ट में है, और ऊपर वाला जो है वो आई के साथ प्रोडक्ट में आप लिख रहे हैं तो कैसे देखेंगे। तो मैं आई को यहाँ से हटा के बगल में लिख देता हूँ जिससे आप इस प्रोडक्ट के कंपेरिजन को समझ पाए। आई इंटू, देखो तो अब पसंद आया कंपेरिजन। आर किसके बराबर कर दोगे, आर बराबर कर दो वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, कंपेरिजन करोगे तो। और यदि ये कंपेरिजन से रिजल्ट जो आपके पास आया वो आप ध्यान रख लेते हैं तो अच्छी बात, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वैसे ही ध्यान रह जाएगा, पैरेलल में है जो बैटरी उन सबके पैरेलल में कर दो इंटरनल रेजिस्टेंस, केवल ईएमएफ के लिए थोड़ा लगता है। For n parallel cell, E equals to summation EI by RI upon summation 1 by RI, or 1 by R equals to summation 1 by RI. यदि आप कहते हैं कि n है parallel cell, आप क्या कर लो e1 by r1 plus e2 by r2 plus e3 by r2 करते चले जाओ n times upon 1 by r1 plus 1 by r2 n times, ये इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा। और 1 by r समेशन, अच्छा तो आप समेशन और e में कंफ्यूज हो सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा सिंबल लिखते वक्त सावधान रहना चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं, यहां तक पहुंच गए हो तो मैं पेज चेंज करूं। अच्छा ये देखिए आपके सामने यदि दो ही रेजिस्टेंस हो E1 R1 E2 R2, तो इफेक्टिव लिखने का तरीका कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा।
E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 upon R1 plus R2. ये ध्यान रखिएगा, E1 को R2 से मल्टीप्लाई करते हैं और E2 को R1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सम करके अपॉन R1 R2. सर मैं क्यों मान लू, EMF आप कैसे लिखते, E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2. और ये क्या हो जाता, ऊपर LCM ले लो, E1 R2 plus E2 R1, नीचे R1 R2 आता, और नीचे R2 plus R1 R2 R1 R2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये रिजल्ट आ गया. तो EMF आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 10 वोल्ट 6 ओम एंड 20 वोल्ट 3 ओम. और आपको करंट बताना है इस 5 ओम के थ्रू कितना गुजर रहा होगा. अब लूप तो दो दिख रहे हैं, या तो दो लूप रूल लगाओगे आप, या इनका इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो. कैसे, तो 10 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 6 बाय रेजिस्टेंस का सम 6 प्लस 3 ये वोल्ट, और 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3 ये ओम इंटरनल रेजिस्टेंस. तो बैटरी बन गया, और ये रहने दो एक जगह. अब आई का वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू कितना लिख दोगे, EMF चेक कर लो, 3 × 9 = 26 × 40 + 50/3 चेक कर लेना, अपॉन 5 + 2 ये हो गया 50/21 एम्पियर. तो लूप रूल तो यहां नहीं लगाना पड़ा. आपने यदि पैरेलल का आइडिया सेट कर लिया तो बिना लूप रूल के यहाँ आपको आंसर आते दिखने लगा. जिन लोगों को ये समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें. बहुत बढ़िया. हंस, भव्य, कुछ मैं हेल्प करूं थोड़ा? बहुत बहुत मैसा आ गया ना समझ में? यस. बहुत बहुत. तो हम लोगों ने देखा कि करना क्या है. देखिए E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 कम यूज करना पड़ता है, जो ये वाला है, दो ही जनरली रहते हैं, तो इसी से काम चल जाता है. E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus इफेक्टिव EMF आ जाता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाता है. क्या मैं पेज चेंज करूं? यस. यहां एक आपके दिमाग में ये आ सकता है, 6 वोल्ट 2 ओम एट वोल्ट 1 ओम टू वोल्ट 3 ओम यदि ऐसा हो और हम करंट देखें तो यहां क्या किया जाए. तो यदि यहां करंट देखना हो हमें और ये 10 ओम, तो इफेक्टिव जो EMF होगा ये 10 ओम, यहां वो आई हम ढूंढ रहे हैं और ये ER. तो सॉल्व करते वक्त ये ER कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए. E
सिक्स बाई टू प्लस एट बाई वन माइनस ओ एक्सक्यूज मी, ये ठीक है, यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, यदि कहीं ऐसा दे दिया जाता। आपने दो पॉजिटिव लेफ्ट देखे और एक देख रहे हैं राइट की तरफ, तो यदि एक राइट की तरफ मैंने बड़ी डंडी दे दिया है, लेफ्ट साइड में निगेटिव है, तो माइनस टू बाई थ्री आप नोट करोगे, ध्यान देना, और वो केवल ईएमएफ वाला माइनस होगा, रेजिस्टेंस वाला नीचे वैसे ही रहेगा, वन बाई टू प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई थ्री, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस आर जैसे देखते थे 1 बाय आर, वो वैसे ही रहेगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 3। और तब आपको यदि आई चाहिए है, आई क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस 10। कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा, इतना लिख के छोड़ दीजिए। यहां इसको इसको कैलकुलेट करिए, ये है 9 ओम नीचे और ये 6 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम, ये दो आप देख रहे हैं, करंट कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सोम, सॉल्व करते वक्त 6 इंटू टू प्लस माइनस 2 इंटू टू ध्यान दीजिएगा अपॉन 2 प्लस 2, और ये 2 इंटू टू बाई 2 प्लस 2 ये ओम में आ गया, ये वोल्ट में आ गया, और ये रेजिस्टेंस 9 ओम, करंट हम ढूंढ रहे हैं। ये जो ईएमएफ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आया उनको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो 12 माइनस 4 8 बटे 4 2 वोल्ट पॉजिटिव आया, मतलब बड़ी डंडी जिधर लेफ्ट हमने माना है उधर ही रहेगा, यदि निगेटिव आता तो बड़ी डंडी राइट साइड कर देते 1 ओम, और यहां पर रेजिस्टेंस 9 ओम थे, करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस 9 पॉइंट 2 एम्पियर। अरे 2 बाय प्राप्ति एक बार चेक कर लेना ना, 2 बाय 10 आ रहा है 12, अच्छा वो 4 आएगा क्या, 12 माइनस 4 8, 8 बटे 4 2, 2 वोल्ट 1 ओम ही तो आया है। यस सर, मेरे से साइन की गलती। हाँ, साइन इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ छोटी डंडी लेफ्ट साइड है, और देखो सर आपने लेफ्ट वाला ही 6 वोल्ट को प्लस क्यों माना, देखो कोई तो एक मानना था, मैंने लेफ्ट साइड प्लस मान के चला और सारे कैलकुलेट किए, यदि ये कैलकुलेट होकर के निगेटिव आ जाता है तो हम अपना जो इफेक्टिव बैटरी बनाएंगे उसका नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट कर देंगे, राइट साइड में पॉजिटिव कर देंगे। अब इसका एक और अच्छा एग्जांपल, अगला मैं चित्र बनाता हूं वो है जिसमें बिना लूप रूल के आंसर कितना आसानी से दिया जा सकता है आपको समझ में आए। पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर।
आपको बताना है कि यहाँ 8 ओम से कितना करंट गुजर रहा है। एक तो तरीका है कि हम लूप रूल में जाएं, और जो मैंने अभी अभी तैयारी की है उस तैयारी को देखो। क्या इसको इस नजरिए से देख लूं? और यदि इस नजरिए से देखने को तैयार हो जाए आप, तो आंसर के लिए एक स्टेप और आगे आपको दिखने लगेगा। 8 24 + 6 6 24 / 6 9 V / 2 Ω, तो करंट I कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 48/9/10, मीन्स 48/90 = 24/45 = 8/15 A. तो देखो, हमने लूप रूल नहीं लगाया, हमने नोडल एनालिसिस नहीं अप्लाई की, और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आप नोडल में एनालिसिस में जाते भी तो भी फंसते, आपको इससे ज्यादा टाइम लगेगा। सर आपने ऐसे किया क्या इससे? तो ध्यान से देखो ना, आपको बताया था ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस को बगल में भी बता लिख सकते हैं, तो मैंने उसी आइडिया को यूज किया और मन ही मन मान लिया कि ये बगल वाला रेजिस्टेंस जैसे 4 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस होता और 8 वोल्ट का 6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस होता, और वो आपस में पैरेलल क्यों है? क्योंकि वो M और N के बीच में जुड़े हुए हैं दोनों ही, तो आपस में पैरेलल है, और 8 ओम उनके साथ आप देखो अलग से लगा के, तो आपको अब कहानी वो पुराने वाले में पहुंच गई। ये दो सेल आपस में पैरेलल में कर दिया। सर ये दो सेल पैरेलल में है, अरे मैंने मान लिया कि 6 ओम जो है वो 8 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है और 4 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, क्योंकि हमने आपको क्या कहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, तो उसको भी बगल में आप लिख के दिखा सकते हैं। और इवन वो लेफ्ट या राइट साइड में है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहता है या राइट, क्योंकि लूप रूल से आप वेरीफाइड कर लेंगे, यही नहीं बताएगा। तो इस टेक्निक से हमारा टाइम बच सकता है। क्या ये थोड़ा सा समझ में आया? जिन लोगों को ये समझ में आया है प्लीज हैंड राइज कर दें जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया महसा सोम वेदांत रिधिमा आदित्य सौमिल अनुष्का अंश दिव्यांशु प्राप्ति छिपिस्वरण अविष्का आर्यन विशाल उच्चता पलक अंश कृपा अर्जुन कृतिका भवन। बहुत अब यहाँ देखिए एक स्पेशल जो केस है कि यदि कई बैटरी हो और इन सारे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक जैसा हो, E1R E2R E3R E4R और ये कैपिटल R, तो बताइए यहां यदि मैं एक में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? E1/R + E2/R + E3/R + E4/R / 1/R / 1/R / 1/R + 1/R, और उधर तो R/4 हो गया इफेक्टिव। यहां देखिए 1/R ऊपर से कॉमन चलाएगा और नीचे जो देख रहे हैं वो 4 × 1/R है। ये हो जाएगा E1 + E2 + E3 + E4/4 / R/4, ये EMF
और रेजिस्टेंस आ गया नीचे ये आर। ऐसे ही यदि एन होते फॉर एन सेल हैविंग ईच हैव सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि पैरेलल में कनेक्टेड है तो ईएमएफ इफेक्टिव कितना हो जाता, ध्यान से देखिए, E1 प्लस E2 प्लस करते चले गए EN by N और R वाला R by N। ये कुछ चीजें खुद आप अपने एनालिसिस से देख सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला आप लिख ही सकते हैं। यहां इससे भी इंटरेस्टिंग जो आपको दिख जाएगा रूल कि यदि कई हैं और उनके सबके अलग से एक कंसेप्ट की तरह इन्हें ध्यान रखिएगा, ज्यादा यूज में आएगा, ER1 ER2 ER3 और ये R है, तो देखिएगा E कॉमन आ जाएगा इफेक्टिव EMF में। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 न्यूमरेटर में भी रहेगा और डिनोमिनेटर में भी रहेगा, तो इसका मतलब ये इफेक्टिव ईएमएफ ई ही हो जाएगा और इफेक्टिव रेजिस्टेंस उन सारे रेजिस्टेंस के पैरेलल से आपको मिल जाएगा। इससे भी ज्यादा जो यूज में आता है, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हुए आर आर आर, तो ये R by 3 हो जाएगा पैरेलल में तीनों, और ये इफेक्टिव ईएमएफ वही रह जाएगा। यदि ये ज्यादा यूज में आता है रेड वाला जो लिखा है, यदि ऐसे ही सोचो ना, N यदि होते पैरेलल में, यदि एन रहते पैरेलल में और इनका इफेक्टिव लिखते सारे एक जैसे हैं ER, खुद आप एनालाइज करके बता दीजिए क्या हो जाएगा, ये वही रहेगा और एन हो जाता यदि एन सेल होते एक जैसे रेजिस्टेंस वाले। तो कुछ चीजें हैं जो आप एनालाइज कर लेंगे आसानी से। ये विजुअलाइज हो गया क्या सबको, ये पेज मतलब फील आने लगा कि क्या कर रहे हैं? यहां एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसे कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहता है, यदि किसी सर्किट के आर, ये आर वेरिएबल है या आर का वैल्यू पावर डेवलप्ड इन आर आर विल बी मैक्सिमम व्हेन
R इक्वल्स टू R. सर्किट में वो वैल्यूज है देखिएगा. यदि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रेजिस्टेंस हम बाहर लगाएंगे तो उससे जो पावर डेवलप होगा वो मैक्सिमम पावर होगा. और पावर के लिए ध्यान दीजिएगा हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं आई वी या आई स्क्वायर आर. यहाँ आई क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर आर. और इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए. ये जो पावर है पी, तो पी का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या जरूरी है, डीपी बाई डी आर. आर ही तो वेरिएबल हम देख रहे हैं, शुड बी जीरो. डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखो ना, डीपी बाई डी आर लिखते वक्त ई स्क्वायर को अलग करो. डी आर अपॉन आर प्लस आर के होल स्क्वायर, इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. और याद करिए कि यहाँ डिवीजन कोसेंट वाला रूल लगाते हैं. ये पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं वन आ गया, और फिर आर को रहने देते हैं और उसके बगल वाले को डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं टू आर प्लस आर आ गया. और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो भी है उसका स्क्वायर कर देते हैं, फोर हो गया. और इसको किससे इक्वेट करने वाले हैं हम लोग, जीरो से. तो जीरो से इक्वेट करने पर हमें क्या पता चल गया, आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर इंटू टू इंटू आर प्लस आर, ये इक्वल्स टू जीरो. आर प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये वाला कैंसिल आउट कर दो, एक आर प्लस आर माइनस टू आर इक्वल्स टू जीरो. तो यहां से पता चल गया, यहां से क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया हमें कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर. तो किसी सर्किट के बाहर जो रेजिस्टेंस आर है इकलौता, उससे डेसिपेट होने वाला जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैक्सिमम कब होगा, जब उस रेजिस्टेंस का वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो. सर आपने इसको कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कह दिया, ये तो बड़ा आसान सा आइडिया है. कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा तो कैपिटल आर से डेसिपेट होने वाला पावर मैक्सिमम होगा. इसका फायदा आपको मिलेगा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जिसमें 30 सेकंड में आप जवाब दे देंगे. तो पहले इसे नोट कर लो. डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तो घबराना मत, कोसेंट रूल लगा है, आप लगा लेना घर पे आराम से बैठ के. और उसके बाद क्या किया गया है, डीपी बाई डी आर को जीरो से इक्वेट किया गया है. नहीं तो फाइनल रिजल्ट तो सबको याद रख, यहां पर ये प्रूफ है. और थ्योरम क्या कहता है कि वो जो एक्सटर्नल आर है वो यदि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो उस आर के थ्रू जो पावर डेसिपेट होगा वो मैक्सिमम होगा. क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर. एक मिनट. हाँ मैं रुक गया. अब चेंज करूं पेज? यस सर. ध्यान से देखिए, आज इस क्वेश्चन के बदल दिया मैंने आइडिया और आपसे क्या पूछ रहा हूं, अब नहीं पूछ रहा करंट बताओ, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड वैल्यू ऑफ आर such that power develop in it will be maximum.
तो देखो दो आइडिया मिल करके कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। आपको जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करते वक्त अब खास क्या है, अब आपको एक थ्योरम पता है और आपने बैटरी के सीरीज पैरेलल वाला कहानी भी समझ लिया है। तो यदि ये बात आपने समझ लिया तो यहां पर मुझे बताइए आर का वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर या फ्रॉम मैक्सिमम पावर थ्योरम। आर इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर, आर किसके बराबर हो गया टू ओम, आर सिक्स इंटू थ्री बाय सिक्स प्लस थ्री के सीधे सीधे दिख गया। तो ये आपने जिनको ये दिखना शुरू हो गया कि पैरेलल सीरीज का बैटरी का क्या है कहानी, अब एक बैटरी दिख रहा है और एक रेजिस्टेंस और आपको मैक्सिमम पावर थ्योरम पता है। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो हैंड रेज करें और कॉपी पे एक बार नोट कर लें, उसके बाद मैं दो मिनट वेट करूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर ये सिर्फ पैरेलल के लिए या सीरीज के लिए भी है? कहीं भी जब आपको एक बैटरी और रेजिस्टेंस दिखे, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अपने कॉपी को देख के, इस क्वेश्चन को देख लीजिए जहां है सिक्स ओम सिक्स वोल्ट टू 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 ओम। और अब बताइए इस एग्जाम्पल में अब इसमें सीरीज है बैटरी का या पैरेलल है या दोनों है? सर दोनों। तो सॉल्व करते वक्त पहले मैं किसको देखूं, सीरीज वाला? सीरीज तो छह छह तीन बार है, 18 वोल्ट और दो 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 भी तीन बार है 6 ओम। और ऐसे ही दूसरा भी बना लेते हैं 18 वोल्ट और 6 ओम, और आपस में ये किस में हो गए, पैरेलल में। और आपस में यदि ये पैरेलल में हो गए तो फिर कैसे लिखें, 18 वोल्ट एक जैसे हैं दोनों तो 18 वोल्ट आ गया और 6 by 2 that is 3 ओम हो जाएगा ये आर। तो फ्रॉम या यूजिंग मैक्सिमम पावर थ्योरम। बहुत बढ़िया प्राप्ति, आर इक्वल्स टू 3 ओम। ये दो दो जो अलग अलग आइडिया हैं वो एक साथ कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे रहा है, वरना आप सीरीज पैरेलल में उलझ जाते, करंट ढूंढते, पावर निकालते, फिर मैक्सिमम मिनिमा लगाते। अरे छोड़ो, ये मैक्सिमम पावर थ्योरम है, मैक्सिमम पावर थ्योरम आपको हेल्प करेगा ऐसे केसेस में जहां मैक्सिमम पावर की बात की गई है। ऐसे सिंप्लीफाई करिए, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी और उसके बाद बोल दीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा कैपिटल आर। तो यहां तक मैं मानू आप सब पहुंच गए, कंफर्टेबल हैं? यस सर। एक काम करिएगा, एचसी वर्मा किताब ढूंढिए, इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में जाइए और उसके कम से कम 40 सवाल बना जाइएगा, 40 से शुरू करके 40 तक। एक्सरसाइज में जाइएगा, एक्सरसाइज में 1 से 40 तक इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में बना जाइएगा। सब ध्यान रखिए इस बात का और अगले टर्न पे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कैपेसिटेंस में जो कुछ सिमेट्री मेट्री पढ़ा है उनका भी यूज कर सकते हैं आप जहाँ चाहें,
और वैसे मैं समझाऊंगा खुद से भी इसमें। थैंक यू, बाय बाय।